हेलो गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैं लेट अपडेट कर रही हूँ, बट आई वॉज नॉट वेल. बट अब मैं सारे क्यू कार्ड्स करने वाली हूँ अपलोड, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट्स सी द सेकेंड क्यू कार्ड ऑफ द लिस्ट. अ फिल्म जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करोगे. कौन सी थी, कहाँ देखी, क्या था उसमें और क्यों शेयर करना चाहते हो. सो एज़ यूजल हम पहले वो कैप देख लेते हैं. प्रिथोरा मीन्स अ लॉट, रिक्रिएशनल मीन्स जब आप इंजॉय करते हो, ह्यूमरस मीन्स फनी, एंड किथन केन मीन्स फैमिली एंड फ्रेंड. लेट्स सी द इंग्लिश वर्जन. आई हैव अ ग्रेट हॉबी ऑफ वॉचिंग मूवीज एंड देर आर प्रिथोरा ऑफ मूवीज विच आर बींग रिलीज एवरी ईयर इन माई कंट्री. बट देर आर फ्यू मूवीज विच इन्फ्लुएंस मी अ लॉट इन माई लाइफ एंड आई लाइक टू शेयर सच इन्फ्लुएंशियल मूवीज विद माई किथ एंड केन्स. Recently, I visited cinema to watch a movie named PK with my best friend, and I usually like to go with her whenever I have to go on recreational places. The leading hero of the movie is Aamir Khan with the character named PK. I like the concept of the movie, that is the superstitious belief of humans on fake God man. Actually, he acts as an alien in the movie and accidentally he comes on the earth. He was surprised to see the human and their behavior and was not able to understand the system of the planet that leads to create humorous scenes in the movie. There is also a love story in it. Somehow, there are also emotional clips in it like death of PK's friend and last part when he had to go back to his planet. The interesting and unique thing is that PK given a name to the inappropriate concepts of the humans as wrong numbers. Initially, public was against this idea and rejected it, but after watching the truth and logic behind PK's views, multitude accept the truth and begin to follow the concept of wrong number. And that was like a slap for leaders of superstitious religious system. Thus, this movie is a mixture of love and emotions. That's why the movie seems interesting to me and I shared this movie with lot of my friends. Okay guys, अब translation देख लेते हैं. So अगर कोई word वो cab में छूट गया होगा तो I'll explain that word now. So let's see. वैसे तो मुझे movies देखने की मतलब मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली hobby है, ठीक है. और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं मेरे कंट्री में हर साल, पर बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जो मुझे प्रभावित कर पाती हैं. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित कर पाती हैं मेरी लाइफ में. और ऐसी मूवीज़ जो मुझे प्रभावित करती हैं वो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली किथ एंड केन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ. ओके, मैंने अभी अभी मैं मूवी देखने गई थी पीके अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ. और जब भी मुझे कहीं इंजॉय करने जाना होता है, रिक्रिएशनल इंजॉय करने जाना होता है किसी जगह पे, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही जाती हूँ. इस मूवी का लीडिंग हीरो आमिर खान है, जिसने एज अ पीके एक्ट किया है. मीन्स उसके करेक्टर का नाम जो है वो पीके है. मुझे इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था. क्यों? क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट था कि जो हम अंधविश्वास करते हैं, सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वास करते हैं हम ह्यूमंस, फेक गॉडमैन मीन्स फेक संतों पे, वो कॉन्सेप्ट था. एक्चुअली इसमें जो आमिर खान था उसने एज अ एलियन एक्ट किया था और वो गलती से अर्थ पे आ जाता है और वो यहाँ पे इंसानों को और उनका बिहेवियर देख के बड़ा हैरान होता है क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाता इस प्लैनेट के रूल्स को. और जिसकी वजह से वो बहुत फ़नी इंसिडेंट्स क्रिएट करता है, ह्यूमरस सीन मीन्स फ़नी सीन क्रिएट करता है. इसमें एक लव स्टोरी भी है बट इमोशनल सीन्स भी हैं, जहाँ पे जहाँ पे पीके के फ्रेंड की डेथ हो जाती है या लास्ट में जब वो वापस जा रहा होता है, ठीक है. सो सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक बात ये होती है जो वो पीके नाम देता है, मतलब जो इन अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब जो हमारे इंसानों के कॉन्सेप्ट हैं जो उसे गलत लगते हैं, उसको वो रॉन्ग नंबर का नाम देता है. जैसे वो संत वो रॉन्ग नंबर डायल करता है, भगवान का गलत भगवान का नंबर डायल करता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, स्टार्टिंग में तो पब्लिक इसके अगेंस्ट होती है, बट जब उनको सच पता चलता है और पीके के लॉजिक समझ में आते हैं, मल्टीट्यूड मीन्स काफ़ी ज़्यादा लोग, ठीक है, वो सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना शुरू कर देते हैं रॉन्ग नंबर वाला. और ये जो लीडर्स होते हैं, जो ये
अंधविश्वास का धंधा चला रहे होते हैं, अंधविश्वास भगवान के नाम पे, उनके लिए स्लैप है। इसलिए इस मूवी में प्यार, इमोशन सब कुछ है, जिसकी वजह से ये मुझे इंटरेस्टिंग लगती है और ये मूवी मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर की है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे मुझे कमेंट में बता दीजिए, आई विल रिक्रिएट इट। एंड जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम गोना अपलोड ऑल द क्यू कार्ड।